Respected parents and my dear kids, Assalamu alaikum. Please open unit number 5. It's unit number 5, heat and light, page number 33. Now we'll solve exercise 1st question is tick under yes or no. ये जो सामने दो कॉलम यस और नो के दिए गए हैं, इन स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद यस या नो में आंसर करना है. वी कैन सी इन द डार्क, यस और नो? नो. द मून गिव्स अस लाइट टू द अर्थ, द मून गिव्स लाइट टू द अर्थ? नो. लाइट हेल्प्स अस टू सी थिंग्स, यस. ए कैंडल गिव्स आउट लाइट, यस. सनलाइट इज मेड अप ऑफ 5 कलर्स, no. Fire gives us heat, yes. We need heat to keep us warm, yes. Draw a rainbow and write the names of the 7 colors. V dash O L dash T, violet, violet. V I O L E T, violet. Indigo, I N D I G O, indigo. B L U E, blue. G R E E N, green. Y E L L O W, yellow. O R A N G E, orange. R E D, red. तो ये हमारे fill in the blanks complete हो गए. It's page number 38. Write the names of 3 things through which light can pass and through which light cannot pass. 3 चीज़ों के नाम लिखने हैं इस कॉलम में जिनमें से रोशनी गुजर सकती है, और इस कॉलम में हम उन 3 चीज़ों के नाम लिखेंगे जिनमें से रोशनी आर पार नहीं गुजर सकती. तो जिनमें जिनमें से रोशनी गुजर सकती है वो हैं एयर, वाटर, ग्लास. और ऐसी 3 चीज़ें हैं जिनके आर पार रोशनी नहीं गुजर सकती, वो है वुड, कार्डबोर्ड, रबर. नेम 2 थिंग्स विच गिव अस हीट, 2 चीज़ों के नाम बताएं जिनसे हमें हीट हरारत मिलती है. सन, बल्ब, SUN सन, BULB बल्ब. नेम 2 थिंग्स विच गिव अस लाइट, 2 चीज़ों के नाम बताएं जिनसे हमें रोशनी मिलती है. फायर, कैंडल, FIRE फायर, CANDLE कैंडल. मे बी यू विल फाइंड दीज क्वेश्चन इन योर समर पैक्स. ऑफ वट सनलाइट इज मेड अप, किन चीज़ों से रोशनी बनती है? सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स, धूप या सूरज की रोशनी 7 रंगों से बनती है. सनलाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू वी नीड टू कुक आवर फूड, हमें अपना खाना बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? वी नीड हीट टू कुक आवर फूड, हमें हमारा खाना तैयार करने के लिए हरारत की, हीट की ज़रूरत होती है. एंड देन अदर क्वेश्चन इज व्हाट हेल्प्स अस टू सी थिंग्स, किस की मदद से हम चीज़ों को देख पाते हैं? लाइट हेल्प्स अस टू सी थिंग्स, रोशनी की मदद से हम चीज़ों को देख पाते हैं. लाइट हेल्प्स अस टू सी थिंग्स. तो ये था हमारा यूनिट नंबर 5. उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चन के आंसर्स करने में, फिल इन द ब्लैंक्स में और जो भी एक्टिविटी थी इन सबको सॉल्व करने में मदद मिली होगी. अल्लाह हाफिज़.